दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और इसकी वजह से हार्ट पेशेंट्स के ऊपर होने वाले इफेक्ट्स के बारे में। सो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है। ऑलमोस्ट 7 लाख से ज़्यादा लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। हिंदुस्तान में भी इसकी फैलने की स्पीड अब बढ़ती जा रही है और काफ़ी सारे नए पेशेंट्स रोज सामने आ रहे हैं। और जैसा कि प्रिडिक्शन है कि अगले आने वाले दिनों में इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 10-15 लाख के आसपास पेशेंट्स इंडिया में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनमें काफ़ी पेशेंट्स को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। तो ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको जान का खतरा ज़्यादा है? तो जब अब तक की जो रिपोर्ट है वह ये बताती है कि स्पेशली हार्ट पेशेंट्स, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका हार्ट वीक है, यही वो पेशेंट हैं जिनको अगर कोरोना हो जाता है तो उनके उसकी वजह से काफ़ी सीरियस हो जाने या उनकी जान पे रिस्क आने का खतरा बहुत ज़्यादा है। तो हार्ट पेशेंट्स को सबसे जानना ये ज़रूरी है कि उनका इन्फेक्शन होने का रिस्क उतना ही है जितना बाकी सभी का है, लेकिन एक बार अगर उनको इन्फेक्शन हो गया तो उनका उसकी वजह से ज़्यादा बीमार पड़ जाने का या जान का खतरा बनने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसी को देखते हुए उन्हें अपने आप को ज़्यादा बचाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है? हार्ट में भी देर आर मल्टीपल कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। जिन पेशेंट्स का हार्ट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या ऐसे कोई भी पेशेंट जो प्रेग्नेंट भी हैं और साथ में उनको हार्ट और किडनी डिजीज भी है, दीज आर द पेशेंट जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क है कि अगर उनको कोरोना हो गया तो उनको उसकी वजह से जान पे खतरा आ सकता है। उससे थोड़ा कम रिस्क पे आते हैं वो पेशेंट जिनका हार्ट काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिनको उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सांस चल रहा है, जिनके हार्ट के वाल्व खराब होने की वजह से उनको सांस चल रहा है, जिनको हार्ट फेलियर के सिम्टम है कि उनको ठीक से सांस नहीं आता है, बार बार चलने में रुकना पड़ता है, जिनको कंजनल हार्ट डिजीज, पैदाइशी हार्ट की बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से वो पूरा चल फिर नहीं पाते हैं, या जिनको रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, या जिनका बहुत रिसेंटली बाईपास सर्जरी हुआ है, और या फिर कुछ ऐसे पेशेंट जिनका लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एक बीमारी होती है जिनमें कि ईसीजी में कुछ स्पेशल खराबी होती है। दीज आर द पेशेंट्स जो हार्ट डिजीज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्क पर हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर कोरोना होगा तो उनके ऊपर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके अलावा बाकी सभी जो पेशेंट हैं जिनको बाईपास हुआ है लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो चुका है, या जिनको एंजियोप्लास्टी हुई है बट अभी उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, या और भी पेशेंट जिनका हार्ट थोड़ा वीक है बट उनको कोई सांस वांस नहीं फूलता है, दे कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ, इन पेशेंट्स को हार्ट अटैक होने का और हार्ट की वजह से कोरोना का साइड इफेक्ट होने का रिस्क उतना ही है जितना जनरल पब्लिक को है। तो मेनली वो पेशेंट जिनको सांस में तकलीफ ज़्यादा है, जिनको सिम्टम आ रहे हैं, या जिनका ट्रांसप्लांट है, उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। तो इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया है हम लोगों ने। जो बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क में हैं, जैसे ट्रांसप्लांट पेशेंट या प्रेग्नेंट पेशेंट विद हार्ट डिजीज़, उन सब के लिए ऑल्दो अभी इंडिया में लॉकडाउन सिर्फ 3 वीक्स का है, उन सबको एटलीस्ट 12 वीक्स लॉकडाउन करना चाहिए। जो पेशेंट हाई रिस्क पे हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बाईपास पेशेंट्स, जो हार्ट पेशेंट हैं जिनका हार्ट वीक है, जिनको सांस चल रहा है, जिनके वाल खराब है, तो ये जो सेकेंड ग्रेड वाले पेशेंट हैं, इन सबको कम से कम 6 वीक का लॉकडाउन करना चाहिए और बाकी सभी हार्ट पेशेंट्स को 3 वीक का लॉकडाउन करना चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हार्ट पेशेंट्स के लिए जो काफ़ी न्यूज़ में चल रही है कि कुछ हार्ट की ऐसी दवाइयाँ हैं जो कोरोना को बढ़ाती हैं। तो एक स्पेशल सब ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एस इनहिबिटर्स या ARB, ये मेनली हार्ट फेलियर पेशेंट्स को और हाइपरटेंशन पेशेंट्स को और हार्ट डिजीज पेशेंट को दवा दी जाती है। ऐसा माना जा रहा है कि जो लोग इसको ले रहे हैं उनको हार्ट प्रॉब्लम, उनको कोरोना की वजह से हार्ट प्रॉब्लम होने का या कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है। ऑल्दो अभी तक ये कभी भी प्रूव नहीं हो पाया है, तो रिकमेंडेशन अभी भी ये कहता है कि आपको वो दवा कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि अगर वो दवा बंद कर देंगे तो आपको हार्ट की वजह से होने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो जानलेवा भी हो सकती है। कोरोना की मॉर्टिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10% से ज़्यादा मॉर्टिलिटी नहीं है मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्स्ट के सिनेरियो में, अदरवाइज 5% मॉर्टिलिटी है। तो जब तक कि आप अपने डॉक्टर की सलाह ना लें आपको अपनी दवाओं को बंद नहीं करना है। एक और बड़ा इशू उठाया जा रहा है इसके बारे में कि क्या क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इसके लिए बेनिफिशियल है, क्या वो सभी को खानी चाहिए? तो स्पेशली हार्ट पेशेंट्स को ये ध्यान देना है कि क्लोरोक्विन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक ECG में खराबी पैदा करती है जिसको हम बोलते हैं QT प्रोलोंगेशन। तो जिनका भी हार्ट बहुत वीक है, या जिनको लॉन्ग QT सिंड्रोम है, या जिनको हार्ट फेलियर है, ऐसे पेशेंट्स में क्लोरोक्विन को बिना सलाह के, डॉक्टर की सलाह के लेना डेंजरस हो सकता है। तो अगर आपको ये दवा लेने का कोई सलाह लेता है तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। हार्ट पेशेंट्स को बिना अपने कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किए कोई भी दवा कम या ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने आप को प्रिवेंशन रखिए, लॉकडाउन को ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, इसको इफेक्टिव बनाइए,
सफाई रखिए, बार बार हाथ धोइए, अवॉइड कीजिए ऐसी आदमी से कॉन्टेक्ट में आने का या मल्टीपल लोगों से जिससे आपको कोरोना हो सकता है, बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑनली क्योर। अगर हार्ट पेशेंट को एक बार कोरोना हो जाता है तो उसके कॉम्प्लिकेट होने का रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए अपने आप को बचा के रखना ही बहुत जरूरी है।